Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस वो है कि क्या कुदरत की करिश्मा आपके ऊपर ज़रूर होगा ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रोशन हो जाए एंड डेफिनेटली आपके जो ख्वाहिश है ठीक है वो पूरी तरह से फुलफिल हो. सो ऑफकोर्स दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन. जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है. तो आप इसको कभी भी देख सकते हो फॉर द गाइडेंस एज वेल एज डायरेक्शंस. ठीक है तो टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है. आज जो हमने यूज किया है वो है ग्रीन कैंडल. ओके सो ग्रीन रिप्रेजेंट्स द फर्टिलिटी, ग्रीन रिप्रेजेंट्स द हार्ट चक्रा. ओके सो ऑफकोर्स हम देखेंगे कि क्या क्या कुदरत की करिश्मा हो सकता है आपके जिंदगी के ऊपर एंड डेफिनेटली आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक गाइज. तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम में. इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल. ओके दैट इज अ स्पिरिचुअल ब्लॉग चैनल. ठीक है आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ पर्सनल टैरो प्रेडिक्शंस और एनी टाइप ऑफ टैरो क्लासेस और एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज आई फील दैट इज अ बिजनेस एंड आई डोंट डू बिजनेस इन माई चैनल. सो दिस चैनल इज फॉर प्योर स्पिरिचुअलिटी एंड इट विल बी फॉर एवर. सो देख लेते हैं कि गाइस क्या कुदरत की करिश्मा आपके जिंदगी के ऊपर होने वाला है. ओके ऑलराइट सो हम कैंडल को लाइट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग. आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो इफ यू वांट. ओके जस्ट अ सेकंड गाइस बिकॉज लास्ट में हम कुछ ओरेकल कार्ड्स देखेंगे ताकि आपको भी बहुत अच्छे से डायरेक्शन मिले और डेफिनेटली आपको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है कुछ भी पोर्शन को. ठीक है सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट वे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी के ऊपर क्या कुदरत की करिश्मा डेफिनेटली होने वाला है. ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप ऐसे इंसान के साथ मुलाकात होने वाला है आपका. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट समवन जो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है, ठीक है, ऑनेस्ट है, अपने रिलेशनशिप में ट्रूथफुल है और डेफिनेटली डीप कमिटमेंट जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना वो आपको मिलेगा. आपको जो डीपर लेवल कमिटमेंट होता है, जनरली आई कैन सी द लेटर वन. सो वन से रिप्रेजेंट होता है ऑफ कोर्स इन द टैरो कार्ड्स रिप्रेजेंट होता है द कार्ड मैजिशियन. सो ये जो इंसान आपके साथ मुलाकात करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस पोजिशन पे है. ऑफ कोर्स बहुत अच्छे पोजिशन में हो सकता है अपने लाइफ में. काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हो सकता है कि वेल्थ जो है ना, पैसा, ज़मीन, जायदाद बहुत ज़्यादा इनके पास हो. अच्छा खासा खानदान से बिलोंग करते हैं. इनके अंदर बहुत ज़्यादा हायर मोरल वैल्यूज़ होंगे. यह हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस तरह का पावर, अथॉरिटी. क्योंकि कौन सा इंसान को नहीं चाहिए होता है पावरफुल पोजीशन मिले? किसको नहीं चाहिए होता है कि अच्छा सा मकान पे रहे? किसको नहीं चाहिए होता है कि अपने प्रेस्टीज बढ़े नेबरहुड में, पड़ोसी में, सब लोग जाने आपको, इवन आपके सोसाइटी वाले आपको जाने पहचाने, आपके क्लाइंट सबको पहचाने. ऑफ़ कोर्स डेफिनेटली. और जिस तरह से होता है ना कि कुछ कंपनीज आप देखते हो हमेशा वो हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है, हमेशा ही आगे रहते हैं, चाहे वो रिटेल कंपनीज हो, चाहे वो कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो, वो हमेशा आगे इसलिए रहते हैं ना क्योंकि वो जो क्वालिटी देते हैं कस्टमर्स को दैट्स अ बेस्ट. तो कहीं ना कहीं पर आप किसी इंसान के साथ जुड़ने वाले हो जो ये सारे इंडस्ट्रीज, और जब मैंने बताया यहाँ पे टू पीपल आर देयर, ओके, तो उस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है डिसिप्लिन्ड होंगे ये इंसान. या आप अपने आप को उस तरह से गेटअप दे रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो एंड डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग द मिरेकल्स इन योर लाइफ जो आपने कभी नहीं सोचा था. ठीक है, आपने कभी नहीं सोचा अपने आप को बदलने का, बट यू विल डेफिनेटली चेंज फॉर द बेटर. जैस्मिन फूल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार होते हैं. हो सकता है कि आपके घर के आसपास हो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे हैट दिखाई दे रहा है. हैट्स कब
पहना जाता है जब बहुत ज़्यादा धूप आती है, राइट, या सी बीच में पहना जाता है। सो सम ऑफ यू मे बी दे यू हैव, ओके, हो सकता है कि आप हेड एक्सेसरीज या हेयर एक्सेसरीज आपका पहनने का शौक है। यू आर डूइंग अ बिजनेस इन सम काइंड ऑफ, यू कैन से, एक्टिविटीज लाइक किसी को इंश्योरेंस कवरेज देना, ठीक है। मे बी यू आर इन्वॉल्व इन सेल्स, यू आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। अभी मेरे मुंह से निकला है इंश्योरेंस कवरेज देना, तो हो सकता है कि आप इसी तरह कोई कंपनी के साथ जुड़े हुए हो या रिसेंटली आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है जो आपको इन फ्यूचर अच्छे से अच्छा रिटर्न दे। यहाँ पे बूंद बूंद दिखाई दे रहा है, बबल्स दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से मैरीन ड्राइव में जाना है, स्कूबा डाइविंग करना है, बहुत एडवेंचरस फील करना है। आपने कोरल्स देखा होगा और उनके साथ इंटरेक्ट करना, नेचर या कुदरत के साथ जब आप इंटरेक्ट करोगे तो और भी ज़्यादा करिश्मा आपके ज़िंदगी को रोशन करने वाली है। यहाँ पे थ्री लीफ क्लोवर है, थ्री लीफ क्लोवर, ठीक है। सो ऑफ कोर्स द थिंग्स दैट आर गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ, जो काफ़ी ज़्यादा लक है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ठीक है। पैसे का कमी नहीं होगा, आपके फाइनेंशियल पोजिशन यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं। किसी का मुझे दिख रहा है, आपने ग्रीन स्नेक देखा होगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल बोल के मैं बोल रही हूँ, ग्रीन स्नेक आपने देखा होगा। वो इस तरह से ना कॉयल किया हुआ रहता है पेड़ पे, तो आपको पता नहीं चलता है, तो वो कभी भी डस सकता है। तो कुछ मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ लोग छुप के आपको वार कर सकते हैं, जो आपको दिखेगा नहीं, मे बी ऑन द अपर सरफेस लेवल पे, क्योंकि एक जो क्लैरवॉयंट होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है बताना फॉर द नेगेटिव सिचुएशन, ताकि वो संभाल के रहे। यहाँ पे एच लेटर, यहाँ पे एस, यहाँ पे इलेवन इलेवन, यहाँ पे 21, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे कुछ दिख रहा है नंबर्स, यहाँ पे कैंगरूज दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कैंगरूज एंड जिराफ, ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्शन, तो हो सकता है कि आपको प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, बट आपको थोड़ा सा संभाल के रहना है। यहाँ पे मुझे रैट दिखाई दे रहा है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे टर्टल है, रैट है। सो रैट रिप्रेजेंट्स, यू नो व्हाट, रैट का फंक्शन है, लोग समझते हैं उनको आफत समझते हैं बेसिकली, क्योंकि वो बहुत चीज़ ख़राब कर देते हैं। लेकिन रैट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि आप बहुत ज़्यादा बिजनेस में अपना दिमाग को यूज़ कर पाओगे एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन इन द फ्यूचर। चाहे आप वर्क भी कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशन, इस तरह के। कुछ लोग अपने ट्विटर में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स को रिसीव करोगे, या जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे भी आप जॉब करो, मे बी इन यूट्यूब, मे बी इन ट्विटर, वट एवर बी इट इज, यू विल रिसीव गुड कमेंट्स, ओके। ऑन द नेगेटिव साइड कुछ लोग आपके बारे में, हो सकता है कि आपके जो तरक्की हो रहा है इनसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं और चाहते हैं आपका डाउनग्रेड हो, आपका डाउनफॉल हो। मे बी आपके कोई पास्ट आशिक हो सकते हैं, या कोई इस तरह का इंसान हो सकता है जो आपसे रिलेशनशिप में तो था लेकिन खुद ही एग्जिट कर गया। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग के लिए वैलिड है, ओके। सो यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ, जो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हो और आपको कमिटमेंट दे, ऐसा नहीं कि भाग जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। आई कैन सी अ लिमोजिन कार, यहाँ पे मुझे लग्जरी कार दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं पे लिमोजिन क्या होता है, लिमोजिन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, वो एक कार का ही, एक लग्जरी कार का एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब थोड़ा सा और स्पेस होता है, ठीक है, और जहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज किया जाता है, लंबा सा होता है, आपने देखा होगा लिमोजिन कार। सो आई कैन फाइंड अ लिमोजिन कार ओवर हियर। ज़रूरी नहीं कि एवरीवन इज़ गोइंग टू परचेज अ लिमोजिन कार, बट हाँ, लिमोजिन कार में काफ़ी ज़्यादा आपका स्पेस होने से क्या होता है, कंफर्टेबल, आप वहाँ पे बैठ सकते हो और बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जो है ना, उसमें बेड भी होता है, तो आप एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, आपके ज़िंदगी में कुछ स्पेसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, आपको समझ में आ रहा है ना, कंपटीशन में दे रहे हो, स्पेस क्रिएट हो, जिस तरह से होता है ना फ्लाइट में, हमें लेग स्पेस कभी कभी कुछ फ्लाइट में, जिस तरह से हम पैसा पेमेंट करते हैं इकोनॉमिक क्लास में, अलग सा लेग स्पेस मिलेगा, जितना बड़ा गाड़ी होगा उतना लेग स्पेस ज़्यादा होगा, लेग स्पेस आपको पता है,
पैर रखने का जो जगह है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना मैम हम हिंदी में बता दीजिए इसका टर्म, तो मैं वही बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं पे लेग स्पेस की कमी के वजह से हो सकता है कि आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ज़िंदगी में आपके लिए बहुत कुछ अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे एंड डेफिनेटली पाथ क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे बड़ा करके इनफाइनाइट सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू बी वेरी क्रिएटिव इन द नियर फ्यूचर। बहुत क्रिएशन आपके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, लेकिन क्या होता है ना आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ हादसा है आपके साथ हुआ है या किसी फैमिली में, मतलब शादी के बाद आपने कुछ हॉबी को छोड़ दिया है या अपने जॉब को छोड़ दिया है, आप फिर से उसको रीस्टार्ट करने वाले हो। स्टडीज़ किसी किसी का अगर अधूरा है तो वो भी कंप्लीट होगा। यहाँ पे अच्छा सा एक डॉल बन रहा है, ओके, सो डॉल्स रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल साइड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हम इंसान भी डॉल्स के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, भले ही ये ग्रीन कैंडल हो बट आई कैन फील इट्स लाइक कहीं ना कहीं पे एक कैंडीज जिस तरह से होता है ना कि खट्टा मीठा होता है, तो ऑफकोर्स आपके ज़िंदगी में वही खट्टा मीठा, ठीक है, सब कुछ लगा हुआ रहेगा। एंड अगर अभी चीज़ बहुत ज़्यादा सावर है, बहुत ज़्यादा खट्टा है, समय इस तरह से आ रहा है कि बहुत मीठा होने वाला है वो चीज़, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, यू नीड टू ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ एट द सिचुएशन। इसको लेके हम बाद में बात करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज स्पिरिट गाइड्स एंड प्लीज हेल्प मी इन द राइट डिरेक्शन। ओके, मुझे इस तरह से लग रहा है ना आप किसी चीज़ के ऊपर बैठे हो अभी और अभी सोच रहे हो कि चलो अभी निकल सकते हैं हम लोग। मे बी ये रीडिंग देखने के बाद हो सकता है कि आप लोग बाहर निकलो, ठीक है, फॉर अ वॉक या फॉर अ राइड, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग अपने पार्टनर्स के साथ ऐसे लॉन्ग ड्राइव में जाने वाले हैं जहाँ पे पूरी इस तरफ से भी हरियाली है, उस तरफ से भी हरियाली है, और तब आपको लगेगा ना इवन अ स्मॉल शॉर्टर ड्यूरेशन वैकेशन भी आपको लगेगा कि बहुत ये मेरे एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स है। ऐसा ताजगी, ऐसा अनुभव आपने कभी भी नहीं किया होगा। इसे देख लेते हैं क्या आया है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि तीन लोग यहाँ, मे बी योर पार्टनर इज़ इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप और यू आर इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। ये आप हो जो ओरिजिनल सोलमेट हो, ये आपके इंसान है जो किसी और के चंगुल में फंसे हैं, बट वेरी सुन द सिचुएशन इज गोना चेंज, यस, ठीक है। यहाँ पे देखो इट्स लाइक द एस ऑफ कप विच इज़ फॉर्म्ड ओवर हियर, यहाँ पे एस ऑफ कप्स यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है कि कौन है और यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं, सो ऑफ कोर्स द स्वीटर कनेक्शंस, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे एक सेवन बना है यहाँ पे, तो केतु किसी का 7th हाउस में हो सकता है, ओके, किसी का राशि हो सकता है टॉरस, मैंने वहाँ पे जो देखा था। पाइशिस किसी का हो सकता है, वर्गो किसी का हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज लास्ट तक इसको देखना है आपको। वर्गो कोई हो सकता है जेमिनाई, मिथुन राशि का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज बनते हैं और पाइशिस का बन रहे हैं, ओके। अभी हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जिंदगी में क्या गाइडेंस देने वाले हैं आप, प्लीज दे दीजिए। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग और फोकस ऑन। अगर अभी इस समय है कि आप अकेले महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा लोनली महसूस कर रहे हो, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इसी समय में आपका एक्सपीरियंस और बढ़ते जा रहा है और एक रिलेशनशिप का जो एक्चुअल इम्पोर्टेंस है वो आपको पता चलेगा। तभी पता चलता है जब हम अपने पार्टनर से दूर होते हैं, ओके। सो आई एम मिसिंग समवन, दैट पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग यू। ट्विन फ्लेम्स, मुझे वहाँ पे भी शेप दिखे थे। यू विल बी इन अ डिवाइन सोलमेट कनेक्शन वेरी सुन। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट।
ऐसा रिलेशनशिप ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में। भले ही आप लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हो, बट डेफिनेटली आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं यू हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर, क्योंकि सब लोग के अंदर कमी होती है। ओके, नो वन इज़ परफेक्ट, यस देर इज़ नो राइट और रॉन्ग। अगर आपने सोचा होगा कि मैंने इस इंसान को प्यार किया, ठीक है, गलती किया, मैंने अपना करियर को कुर्बान किया, सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने फैमिली के लिए, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्यार अगर आप कर रहे हो, चाहे अपने बच्चे को कर रहे हो, अपने हस्बैंड को कर रहे हो, वाइफ को कर रहे हो, फैमिली को कर रहे हो, उसमें आप राइट या रॉन्ग कंसिडर नहीं होता है, प्यार तो प्यार ही होता है ना। सो ऑफकोर्स विथ लव यू कैन मैनिफेस्ट द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, सो दिस इज़ वेर आई एम एंडिंग द रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिफिनिटी टैरो सिक्स बाय ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू ऑल।